हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटल ज्ञान चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CSR कनेक्शन का नाम परिवर्तन कैसे करें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे ग्रुप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर फॉलो करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएंगे कॉन्टैक्ट पे। जिस प्रकार से आप जर्नल कनेक्शन का कॉन्टैक्ट गिव अप करते हैं पूर्णतया, उसी प्रकार से अपना पूरा कॉन्टैक्ट गिव अप करेंगे। इसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद कॉन्टैक्ट गिव अप कर लेंगे। जिसके नाम परिवर्तन करना है उसी का कॉन्टैक्ट गिव अप करेंगे। कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाने के बाद KYC लेवल प्राप्त हो गया। अब रिलेशनशिप पे आ जाएंगे। रिलेशनशिप पे आ जाने के बाद सर्च आइकन में आपको उस कंज्यूमर नंबर को लिख डालना है जो CSR कनेक्शन ऑलरेडी चल रहा हो। हाइपर लिंक पर क्लिक कर लेंगे। हाइपर लिंक पर क्लिक कर लेने के बाद आपको सिंपली डॉक्यूमेंट पर जाना है। डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद में आपको प्लस का सिंबल लेना है। जैसे कि आप जर्नल नेम परिवर्तन में करते हैं सेम उसी प्रकार से, तो आपको TV सेलेक्ट कर लेना है इसमें और ऑर्डर सब टाइप में आपको नेम चेंज लीगल हियर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेने के बाद में आपको पुराने कंज्यूमर का पूरा जिसका प्रोडक्ट पूरा था शो हो जाएगा, कि पूरी सिक्योरिटी आपको शो हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी सिक्योरिटी इसमें 0-0 है CSR कस्टमर की। उसके बाद ट्रांसफ़र कॉन्टैक्ट नेम पे क्लिक कर लेंगे। इसमें आपको फर्स्ट नाम डालना है जिसके नाम आपने कॉन्टैक्ट डिवअप किया था। उसको डाल लेने के बाद आपको गो या इंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके पे क्लिक कर लेने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में आपको रिमार्क में कुछ डालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें आप डाल देंगे रिमार्क में CSR नेम लीगल नेम चेंज या CSR नेम चेंज, जो भी आप डालना चाहें रिमार्क कर सकते हैं। डाल लेने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इनवॉइस क्रिएट कर लेने के बाद आपको सिंपली इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेना है। प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज जो होता है उसका एक सेलेक्ट कर लेंगे, और PR का मंथ ईयर और PR नंबर सारा डाल के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में रिप्राइस ऑल कर लेंगे, तो आपको पूरा डाटा शो हो जाएगा कंज्यूमर की कितनी कितनी प्राइस है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट के लिए कर लेने के बाद आपको ऑर्डर को सिंपली इनवॉइस पे क्लिक करके कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड, इसी तरह आप अपना CSR के कनेक्शन को नेम परिवर्तन कर सकते हैं।
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उसके बाद में चलिए रिलेशनशिप पे चेक कर लेते हैं कि नेम परिवर्तन हुआ या नहीं। सर्च आइकन पर क्लिक कर लेंगे और कंज्यूमर नंबर डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नेम परिवर्तन हो गया। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें फॉलो कीजिए और इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।